एक दिन जंगल में बहुत बड़ी बर्फबारी हो रही थी। बर्फ की परतों के नीचे जंगल की हर तरफ बर्फ की चादर छाई हुई थी। गहरे सफेद रंग की बर्फ ने जंगल को खूबसूरती से सजा दिया था। एक जंगल में एक बड़ा सियाह भालू रहता था, जिसका नाम चिनोक था। चिनोक का दोस्त एक शागिर्द मोनकी था, जिसका नाम बंजुआ बोंजो था। दोनों दोस्त बहुत पुराने थे और एक दूसरे की दोस्ती पर बहुत फख्र करते थे। एक दिन बंजो वो बोंजो ने जंगल की सैर के दौरान एक खूबसूरत लंबी चौड़ी हिरन देखा। हिरन का रंग सुनहरी खूबसूरत झरमट रंग का था। बंजो वो बोंजो को इस खूबसूरती में फितना आ गया और उन्होंने हिरन को देखकर उसे पीछा किया। यकीन जैसे ही बंजो वो बोंजो हिरन के पीछे भागे, अचानक एक बड़ा झूला आया और वो गहरे खतरे में पड़ गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब अचानक चिनोक जंगल का बड़ा भालू निकल कर आया और उनको बचाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। इसकी मदद से हिरन को भी बचाया गया और सबको सलामती से घर ले जाया गया। बंजुआ व बोंजो ने चिनोक का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने समझा कि दोस्ती और एक दूसरे की मदद की अहमियत हमेशा होती है। इस दिन से वो हमेशा दूसरों की मदद करने का अहद कर लिया। जंगल में बर्फ की चादर उतर गई, लेकिन बंजो व बोंजो और चिनोक की दोस्ती अब भी गर्मी की चाहत में जलती रही और वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहे।